तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल का और एक नया फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि फ्री फायर के अंदर जब भी कोई अपडेट आता है तो अपडेट के बाद कोई ना कोई नया कैरेक्टर आता है और कैरेक्टर के साथ साथ दोस्तों ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर है जिसका जो एबिलिटी है वो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर आ चुका है बहुत दिन पहले, ये जो दो कैरेक्टर है ये दो कैरेक्टर का एबिलिटी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो दोस्तों यहाँ पर ये है कैसी कैरेक्टर जो कि एक्टिव स्किल के साथ है और ये है काइरोस कैरेक्टर जो कि दोस्तों पैसिव स्किल के साथ है और ये दो कैरेक्टर का एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो कैसी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर अनलिमिटेड एचपी देता है खुद को भी और खुद का जो टीममेट रहता है उसको भी। तो दोस्तों इसका जो एबिलिटी है ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लोग भी इसके साथ नहीं टिक पाएगा और इसके साथ साथ दोस्तों जो के कैरेक्टर है वो भी इसके साथ आके नहीं टिक पाएगा। मतलब कि दोस्तों ये अनलिमिटेड एचपी देता है, इसका हाथ में ये जो हंटर देख रहे हो हंटर जैसा कुछ है तो इसकी मदद से ये जो टीममेट रहता है इसका वो टीममेट को ये हील कर देता रहता है हमेशा। तो दोस्तों आप बताएं इसका एबिलिटी क्या है। दोस्तों ये है कैसी कैरेक्टर और कैसी कैरेक्टर गेम के अंदर है एक्टिव स्किल के साथ। दोस्तों जब भी इसका एक्टिव स्किल आप लोग यूज़ करोगे तो क्या होगा, 30 मीटर रेंज के अंदर इसका कोई भी टीममेट अगर है 30 मीटर की रेंज के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली उसको हील करता रहेगा, ऑटोमेटिकली उसको हील करता रहेगा अगर उसका वो जो मूड है वो मूड अगर एक्टिवेट है। तो जब भी आप लोग उसका जो मूड है वो एक्टिवेट करोगे तब भी इसके साइड से एक तरह का ये हंटर जैसे एक लाइन जाएगा टीममेट के पास और उससे वो हील होता रहता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपका टीममेट का एचपी बहुत ही ज़्यादा कम है तब भी इसका जब एक्टिव स्किल आप लोग यूज़ करोगे तो वो टीममेट को इंस्टेंटली बहुत सारा एचपी मिल जाएगा। अगर आप लोग ये कैरेक्टर लेके गेम खेलना चाहते हो और टीममेट को मदद करना चाहते हो तो ज़रूर ये लेके आप लोग खेल सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों जब भी आपका टीममेट 30 मीटर रेंज के अंदर से थोड़ा बाहर चला जाएगा तब भी आपका टीममेट जो रहेगा उसको ये हील नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो एबिलिटी है ये एबिलिटी दो तरह का है, तो पहला तो है एचपी वो देता रहेगा और दूसरा जो एबिलिटी है दोस्तों जब भी आप लोग एक्टिव स्किल यूज़ करोगे अगर आपका जो टीममेट है वो टीममेट का हेल्थ थोड़ा कम रहेगा या एचपी थोड़ा कम रहेगा तो इंस्टेंटली वो उसको बहुत सारा एचपी दे देगा। और उसके बाद दोस्तों आता है काइरोस कैरेक्टर। काइरोस कैरेक्टर गेम के अंदर है पैसिव स्किल के साथ, मतलब कि ये जो स्किल है ये स्किल दूसरे किसी स्किल के अंदर लेके आप लोग आराम से गेम खेल सकते हो। दोस्तों देखो काइरोस कैरेक्टर का जो एबिलिटी है वो क्या करते हैं, हर सेकंड पे मतलब कि एक सेकंड पे वो दो ईपी करके देता रहता है। ये पहला वाला जो स्किल है वो स्किल ये रहा पहला स्किल के हर एक सेकंड पे ये दो ईपी करके देता रहेगा खुद को और जब भी वो जो ईपी है वो ईपी जब भी फुल होगा तब इसका जो दूसरा स्किल है ये काम पे आएगा। कैसा दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका दूसरा जो एबिलिटी है दोस्तों जब भी ये कैरेक्टर के एबिलिटी लेकर आप लोग गेम खेलोगे तब भी कोई भी जो एनिमी रहेगा उसके ऊपर जब भी आप लोग फायर करोगे अगर वो एनिमी कोई शील्ड जैसा कोई कैरेक्टर जैसा क्रोन हो चुका है तो ऐसा जो कैरेक्टर है तो फिर क्या होगा, इसको देखे जब भी आप लोग उस शील्ड के ऊपर फायर करोगे फायर करने के साथ साथ जो डैमेज है दोस्तों वो डैमेज 120% तक बढ़ा देगा। मतलब कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कोई गोली का अगर डैमेज 100 करके देता है तो उसका 120% बढ़ जाएगा और बढ़ने के साथ साथ वो जो ईपी है वो ईपी हर एक सेकेंड पे 5 करके घटता रहेगा। और उसका साथ साथ दोस्तों अगर वो एनिमी कैरेक्टर कोई शील्ड या हेलमेट या वेस्ट पहना है तो ही ये जो 120% डैमेज है वो देगा। लेकिन दोस्तों अगर एनिमी के पास कोई शील्ड नहीं है कोई हेलमेट नहीं है कोई वेस्ट नहीं है तो ये जो 120% जो डैमेज है दोस्तों ये नहीं देगा। थोड़ा शॉर्टकट से मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अंदर दो एबिलिटी है। पहला जो एबिलिटी है ये हर एक सेकेंड पे दो ईपी करके देता रहेगा, जब भी ईपी का सेक्शन पूरा भर जाएगा तब भी इसका जो दूसरा एबिलिटी है वो चालू होगा। कैसा एबिलिटी, अगर कोई एनिमी उसके पास कोई सील जैसा कुछ कैरेक्टर है अगर उसके पास वेस्ट है अगर उसके पास हेलमेट लेके वो गेम खेल रहा है तब भी ये जब फायर करेगा
120% तक डैमेज देगा अगर वो एनिमी के पास कोई शील्ड जैसा कुछ कैरेक्टर नहीं है, अगर उसके पास वेस्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो ये 120% तक जो डैमेज है ये नहीं देगा। तो बस यही था ये दो कैरेक्टर का एबिलिटी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हमेशा फ्री फायर से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।